continuity and homeomorphism. Second video, welcome all of you. In this video, we discuss continuity and open sets. Role of open sets in continuity. और ये criterion theorem हम लोग पढ़ेंगे. A mapping F from XD1 to YD2 is continuous if and only if inverse image of every open set in Y is open in X. इस बातचीत में XD1, YD2 मैट्रिक स्पेसेस हैं, मैंने शुरू में लिख दिया, बार बार नहीं लिखा. तो पहली बात तो थ्योरम क्राइटेरियन थ्योरम है, यानी इसका इस्तेमाल बराबर होता रहेगा कंटिन्यूटी स्टेब्लिश करने के लिए. दूसरी चीज स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लगा है, इसलिए प्रूफ के दो पार्ट्स होंगे, इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट. स्टार्ट लेते हैं हम लोग. इफ पार्ट स्टेटमेंट से इफ एंड ओनली इफ अगर लिखा हो तो हम इफ पार्ट कैसे पकड़ें, इसके लिए बहुत सिंपल उपाय है. पूरा स्टेटमेंट आप पढ़िए, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां से इफ पढ़िए. अब जो तस्वीर सामने आती है वही इफ पार्ट है. ओनली पार्ट इसका कर्मस, यानी कि एफ इज कंटिन्यूअस इफ ऐसा हो. यदि ऐसा हो तो एफ कंटिन्यूअस होगा, यानी कि ये प्रोवाइडेड हो गया और ये टू प्रूव हो गया. लेट द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई बी ओपन इन एक्स. यही दिया हुआ, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स. ओपन इन एक्स होने का मतलब ओपन सबसेट ऑफ एक्स होना, ओपन इन वाई होने का मतलब ओपन सबसेट ऑफ वाई होना. अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूअस. देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूअस. अब देखो एफ को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन भर है, तो उसी को याद करिए. डेफिनेशन को और याद कर ले, यहां मैं लिख दे रहा हूं कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, वही इस्तेमाल करना हमको. एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस इफ फॉर एवरी ओपन स्फीयर एस एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फीयर एस एक्स डेल्टा सच दैट एफ ऑफ ओपन स्फीयर एस एक्स डेल्टा इज सबसेट ऑफ ओपन स्फीयर एस एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन. यही डेफिनेशन होता है कंटिन्यूटी का, तो ध्यान से आप देख लीजिए इसको, यही स्टेब्लिश करना है. फॉर एवरी ओपन स्फीयर दिस, तो यही से शुरुआत करिए, एवरी के लिए एनी से शुरू करिए. लेट ओपन स्फीयर एस एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन बी एनी ओपन स्फीयर ठीक है भाई. इसका सेंटर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कहां होगा वाई में, तो ये जो ओपन स्फीयर है ये ओपन सेट होगा. हम जानते हैं कि ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, बी एनी ओपन स्फीयर. देन क्लियरली दिस ओपन स्फीयर is an open set in Y. और अब कंडीशन क्या दिया हुआ, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन Y is open in X. By the given condition, by the given condition, F inverse
square s f of x epsilon is open in x. यहां तक बात आ गई। अब ओपन सेट का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, मैं इधर किनारे लिख दे रहा हूं डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन। G इज ओपन इन कैपिटल X इफ फॉर ईच X बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट्स R ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्क्वायर S X R इज सबसेट ऑफ G। तो अगर F इनवर्स, ये जो ओपन सेट है X में, ये जो सेट है X का सबसेट हुआ ना, ये अगर ये X में ओपन है तो ये अब लगाइए डेफिनेशन, फॉर ईच X बिलोंगिंग टू दिस, ये X में ओपन है ना, ओपन इन X माने ओपन सबसेट ऑफ X, इसलिए इसके हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा जो इसका सबसेट होगा। दस दस फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू यही एफ इनवर्स ऑफ ओपन स्क्वायर एस एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन कॉमन। अब हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट्स आर लिखो या तो डेल्टा लिख देना, एप्सिलॉन डेल्टा का कॉम्बिनेशन ठीक लगेगा। देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स पर सेंटर्ड ओपन स्क्वायर एस एक्स डेल्टा, ये सबसेट होगा इसका, इस सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ओपन स्क्वायर एस एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन, दैट इज एफ इमेज ले लीजिए एफ ऑफ ओपन स्क्वायर एस एक्स डेल्टा, इस सबसेट ऑफ ओपन स्क्वायर एस एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन। हो गई बात पूरी, हो गई कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश हो गया। कैसे? फॉर एवरी ओपन स्क्वायर एस एफ एक्स एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्क्वायर एस एक्स डेल्टा सच दैट एफ ऑफ दिस ओपन स्क्वायर इज कंटेन्ड इन दिस ओपन स्क्वायर। दस या हेंस जो भी बंद कर लिख दीजिए, बाई डेफिनेशन एफ इज, या चाहो तो लिख दो दस बाई डेफिनेशन एफ इज कंटिन्यूअस। एक पार्ट का प्रूफ हो गया, दिया हुआ था कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स, और सिद्ध हो गया एफ इज कंटिन्यूअस। अब कन्वर्स पार्ट में दिया हुआ होगा कि एफ कंटिन्यूअस है, सिद्ध करना होगा कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स। आइए देखें, कन्वर्स पार्ट, लेट एफ बी कंटिन्यूअस, देन वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई is open in x। ये हमने भूमिका ली थी, ये दिया है, ये सिद्ध कर रहा है। इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन y is open in x। तो एनी ओपन सेट इन y कंसीडर करिए और दिखा दीजिए कि उसका इनवर्स इमेज x में ओपन है। जो बात एनी सबसेट के लिए ट्रू हो जाएगा वो सभी के लिए ट्रू होगा। Let G be any open set in Y. Let G be any
open set in y, then comma, clearly comma, f inverse g is subset of x. अब सबसेट ऑफ एक्स हम कह रहे हैं, ओपन ओपन नहीं कुछ बोल रहे हैं, केवल सबसेट ऑफ एक्स जी वाई में ओपन है, यानी कि जी वाई का ओपन सबसेट है। तो जी अगर वाई का सबसेट है तो उसकी इनवर्स इमेज एक्स का सबसेट होगा। सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स, वी वांट टू प्रूव दिस। फिर से एक बार आपको डेफिनेशन लिख रहा है, फिर से इस पर दिमाग लगाइए आप। जी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्क्वायर सेंटर्ड एट एक्स। इसी बात को हम यूं लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट्स आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट ओपन स्क्वायर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ जी। तो हम चाहते हैं कि एफ इनवर्स जी एक्स में ओपन सिद्ध कर दे। तो शुरू करिए, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी, तो फॉर एनी से शुरुआत करिए, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी, देन कॉमा क्लियरली कॉमा एफ ऑफ एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ g, f of x belongs to g. चूंकि g open in y है और f of x g का element है, इसलिए फिर वही definition open set का आप इस्तेमाल करिए। मेरा मन कर रहा है फिर इसको फिर एक बार लिखे तो अच्छा लगेगा। 10 g is open in y, f of x belongs to g implies that, see the definition given there, ये definition लिखे हो तो इसमें if and only if नहीं लिखना चाहिए, criterion theorem लिखा है। यानी कि f of x पर centered एक ऐसा open sphere exist करेगा जो g का subset होगा, यानी कि there exists epsilon greater than 0 such that open sphere S f of x epsilon is subset of G. Number 1. Again, since f is continuous, therefore for open sphere S f of x epsilon there exists an open sphere, definition likh raha hu, there exists an open sphere S x delta such that f of open sphere S x delta is subset of open sphere S f of x epsilon. Number 2. अब वन और टू को गौर से देख लो, ये इसका सबसेट है और ये खुद g का सबसेट है, यानी कि ये g का सबसेट होगा। From 1 into f of open sphere S x delta is subset of G, that is open sphere S x delta is subset of F inverse of G. तो मैं कुछ अंडरलाइन करना चाहूंगा, एक तो इसे अंडरलाइन करूंगा और एक इसे अंडरलाइन करूंगा। अब समझ लीजिए, एनी पॉइंट के लिए कोई रिजल्ट आ गया ना तो उसको जनरलाइज कर दीजिए कि वो ईच पॉइंट के लिए ऐसा होगा, जनरलाइज करके तब कंक्लूड करिए, इकट्ठे कंक्लूड नहीं करना चाहिए, थोड़ा समझ में एक बार में आता नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से लिखूं
दोबारा भी पढ़ें तो आपके समझ में। तो अभी तक यहां से लेके यहां तक जो कार्य हुआ है इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं ऐसे। अतः दस एनी के लिए था ना, तो हम लिख रहे हैं फॉर ऑल या फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू एफ इनवर्स जी देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट ओपन स्क्वायर एस एक्स डेल्टा इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी एंड हेंस बाय डेफिनेशन एफ इनवर्स जी इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स ओपन सबसेट ऑफ एक्स लिख दो चाहे ओपन इन एक्स। तो क्या प्रूव कर ले गया वही ना जो प्रूव करना था जी बी एनी ओपन सेट इन वाई तो उसका इनवर्स इमेज ओपन इन एक्स दिखा दिए तो काम खत्म हो गया। फिर एक बार आप और कंक्लूड करिए ये जो एनी था उसको एवरी करिए हेंस इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स फाइनली लॉजिकल मैथमेटिक्स है। लॉजिक भी लिखना है तो बड़ा प्रैक्टिस करके ही यह सब काम सुरखुरू होता है। प्रैक्टिस से बढ़िया होगा नहीं तो अनाप शनाप लिख जाएं अगलम बगलम झगड़म लिख जाएं कहना आप कुछ चाहते हैं पढ़ने वाला कुछ समझ ले तो ये प्रैक्टिस से आएगा। खूब लिख लिख के अभ्यास करेंगे लिखना जाएगा एकदम चिंता करने की कोई बात नहीं। ये क्राइटेरियन थ्योरम है पहला क्राइटेरियन थ्योरम है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ओपन सॉरी इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स ऐसा। एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे लेट एक्स डी वन बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस अब डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस लिया हमने तो उसके डेफिनेशन मालूम होना चाहिए और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज जैसे कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर सबसेट बाय नेचर ओपन होता है बाय नेचर क्लोज होता है। Let x d1 be a discrete metric space and y d2 be any metric space. Let g be open in y. Then, ओपन तो ही है ओपन इन वाई का मतलब ओपन सबसेट ऑफ वाई देन क्लियरली एफ इनवर्स जी इज सबसेट ऑफ एक्स हमने कहा और हमको बताना कि ओपन इन एक्स होगा यानी ओपन सबसेट ऑफ एक्स होगा। सबसेट ऑफ एक्स बता दिया हमने ओपन और बताना है बस। We know that since X is discrete metric space and we know that every subset of a discrete metric space discrete metric space is open. Therefore,
F inverse G is open, या F inverse G जो कि X का सबसेट है, ये लिखा है, is open. Thus, F from X to I is continuous. ये continuous हुआ. क्यों continuous हुआ? क्योंकि हमने दिखा दिया inverse image of every open set in Y is open in X. या तो सीधा सीधा ना लिख के थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देते हैं. दस ये जो एनी के लिए हमने किया ना, लेट जी बी एनी वर्ड यहां लगाइए, लेट जी बी एनी, जरूरी जरूरी बिल्कुल जरूरी, लेट जी बी एनी ओपन सेट, लेट जी बी एनी ओपन सेट इन वाई. तो आपने दिखाया कि उसका इनवर्स इमेज एक्स में ओपन है. अब इसको एवरी के लिए लिखिए. दस इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स एंड हेंस द मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस. एक एग्जाम्पल हमने बता दिया, ऐसे आपके सामने और भी एग्जाम्पल नजर के सामने आएंगे तो आप उसको समझ बूझ लीजिएगा. सारे तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनेंगे. तो मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ कि भैया इतना मटेरियल आप जरूर पढ़ लो, और इतना पढ़ने के बाद इस काबिल आप हो जाओगे कि आप अपने आप भी बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो. पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाए. वैसे भी ये लॉजिकल ब्रांच है, इसमें मेन थियरम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन उसकी भी ट्रेनिंग हम आपको देते चलेंगे. इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगेगा. मैपिंग का ओपन होना, मैपिंग का कंटिन्यूस होना, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, आइए देखें. आप देखेंगे कि अगर एफ कंटिन्यूस है, अगर एफ कंटिन्यूस है तो एफ इनवर्स ओपन होगा, अगर एफ ओपन है तो एफ इनवर्स कंटिन्यूस होगा. ऐसा अभी आप देखने जा रहे हैं. लेट अस सी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. नंबर एक, एफ इज कंटिन्यूस. ये कुछ इस तरह के बात लिखी हुई है यहाँ पे. दो मेट्रिक स्पेसेस हैं एक्स डी वन और वाई डी टू. आप बहुत भूमिका नहीं लिख रहे हो, संदर्भ चल ही जाएगा. जिस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत अभी तक चल रही है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ाइए. एफ इज कंटिन्यूस इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स व्हेनेवर व्हेनेवर जी इज ओपन इन वाई. बोलिए यही तो है. इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स. यही तो आपने पढ़ा कि अगर जी ओपन इन वाई है तो उसका इनवर्स इमेज ओपन इन एक्स होगा. ये मैपिंग तो था आपका एफ, और इसकी इनवर्स मैपिंग हो जाएगी एफ फ्रॉम वाई टू एक्स. बताइए कि ये ओपन कब होगा. ओपन मैपिंग का डेफिनेशन आप वीडियो नंबर वन में देख चुके हैं. ये मैपिंग ओपन तब होगा जब डोमेन में ओपन सेट का इमेज, अब इमेज कौन सी इमेज, ये मैपिंग एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स इमेज. वाई में ओपन सेट की इमेज एक्स में ओपन हो, ये तो लिखा बेटा कि वाई में ओपन सेट अगर है जी तो उसका एफ इनवर्स इमेज एक्स में ओपन होगा. इट मींस एफ इनवर्स इज ओपन इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई एफ इनवर्स इज ओपन मैपिंग. ओपन मैपिंग बस समझने का फेल है. एफ अगर कंटिन्यूस है एफ इनवर्स ओपन मैपिंग होगा. इसी प्रकार से आपको हम बता रहे हैं कि अगर एफ इनवर्स कंटिन्यूस है तो फिर एफ ओपन होगा. नंबर टू,
F inverse is continuous. F inverse is continuous implies that and implied by ये आज पकड़ लिया. अब ये अगर continuous है तो X में सभी open set का inverse image Y में open होगा. F inverse inverse of G is open in Y whenever G is open in X, is it true? ध्यान रखिएगा F inverse की बात हो रही है, F inverse is continuous, इस मैपिंग की बात हो रही है. X में open set का inverse image Y में open होगा, inverse image under which mapping, under F inverse mapping. तो F inverse mapping के under inverse mapping क्या होगा, यही तो होगा. और इसको आप मैंने ऐसे लिखिए, अर्थात F inverse inverse F होता है, तो जाएगा F of G is open in Y whenever G is open in X. अब इसको अर्थ क्या है, कि अगर G X में open है तो F of G Y में open है, G अगर X में open है तो उसका image Y में open है, तो ये mapping क्या हो जाएगा, open implies that and implied by F is an analytic sidhari, तो F is open mapping. एंड लिख दो भी तो बुरी बात नहीं है, एक सर लिखे तो ठीक, ना लिखे तो ठीक. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ कंटिन्यूअस है तो एफ इनवर्स ओपन होगा, अगर एफ इनवर्स ओपन है तो एफ कंटिन्यूअस होगा, एफ इनवर्स कंटिन्यूअस है तो एफ ओपन होगा, एफ अगर ओपन है तो एफ इनवर्स कंटिन्यूअस होगा. इसीलिए होमियोमॉर्फिज्म का जो डेफिनेशन था, आइए उस पर विचार करें. होमियोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन जो लिखे थे उस पर विचार करें. एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड होमियोमॉर्फिज्म. होमियोमॉर्फिज्म इफ एफ एंड एफ इनवर्स बोथ आर कंटिन्यूअस. बोथ आर कंटिन्यूअस मेन डेफिनेशन तो यही होता है, लेकिन अब इसके लाइट में इसको देखो चेंज करना. दैट इज इफ एफ इज कंटिन्यूअस, भाई एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस, तो एफ इज कंटिन्यूअस एंड एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस को हम कन्वर्ट कर दे, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस है तो एफ क्या होगा, ओपन, एंड एफ इज ओपन. ये डेफिनेशन ले लीजिए, बोथ आर इक्विवेलेंट. डेफिनेशन तो है बाय कंटिन्यूटी का, एफ एंड एफ इनवर्स बोथ आर कंटिन्यूअस बाय कंटिन्यूटी. बाय मन बाय से बोध होता है दो का ना, तो दोनों कंटिन्यूअस हो, एफ भी और उसका इनवर्स इमेज भी. लेकिन इसी को हम यूं भी कन्वर्ट करके डेफिनेशन दिमाग बैठा सकते हैं कि एफ होमियोमॉर्फिज्म तब कहलाएगा जब एफ कंटिन्यूअस भी हो और ओपन भी हो. क्लियर हो भाई? वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें. इसके लिए हम बराबर अपील करते हैं, यदि आपको लगता है कि हमें वाईबी सिंह के वीडियोस देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, यदि आपको लगता है कि नहीं देखना है, ये ठीक नहीं लग रहा हमको, कोई बात नहीं. और बेल आइकन तो आप इसलिए प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सूचनाएँ मिलती रहे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे कंटिन्यूटी एंड क्लोज सेट. कंटिन्यूटी एंड ओपन सेट्स की बातचीत हमने कर ली है. थैंक यू.